कह लें कि एम्बेसडर साहब को दिन में चार चार दफा कॉल करके कि इस अजाब से मेरी जान छुड़ा दें क्योंकि वी कांट ईट, क्योंकि ओवरऑल फूड वाइज जो है चाइनीज जो है उनके लिए तो एक हेल्दी फूड है, हमारे लिए वो चूंकि उसमें नमक मिर्च नहीं है, फ्राइड नहीं है, रॉ वेजिटेबल्स हैं और रेसिपी इज टोटली डिफरेंट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बेचारे चाइनीज वहां जाओ तो हमें उनका खाना पसंद नहीं आता, वो यहाँ आए तो हमारे बलूचिस्तान वाले उन्हीं को खाने पर तुल जाते हैं। हाय हाय बेचारे चीनी, जाएं भी तो कहां जाएं। नो वंडर देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ चीनी हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड द चीफ जस्टिस सीम्स वेरी इन्वॉल्वड इन इट। एनीवे, इन्होंने जिक्र किया अपने ख्वाब का जिसमें इनको बाउंसर्स आया करती थी, आपको ख्वाब में क्या नजर आता है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाब मुझे याद नहीं रहते, और ये भी मेरी वाली आदत है। आपका मेरा कबीला एक ही में बता देती हूँ। हाँ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसमें कहूँ कि यकीनन, लेकिन और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ख्वाब में मुझे सांप जरूर अगर ख्वाब में नजर आए तो वो मुझे जरूर पता होता है कि फलां दिन मुझे ख्वाब में सांप नजर आया। माय गॉड, माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, एवरीथिंग यू आर सेइंग, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे दिल की बातें बोल रही हैं। अच्छा, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ ना तो मैं दिलों के राज जानती हूँ। आप शायद आंखें देख रही हैं, इंसान का हाल पढ़ लेती हैं। मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट साहब को क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल है, ही इज पैट्रन इन चीफ ऑफ क्रिकेट, तो ओवरऑल पीसीबी के वो हेड है। मेरी जान, आई एम योर न्यू स्टूडेंट, आपने मुझे मेरी कोचिंग करनी है और ऐसी स्ट्रोक सिखानी है, ऐसी स्ट्रोक सिखानी है, उसके बाद मैं चैलेंज करूंगी प्रेसिडेंट साहब को कि एक गेम मेरे साथ हो जाए और जो जीता उसकी बात मानी जाएगी। अगर वो जीत गए तो मैं फर्स्ट लेडी का ख्वाब दिल से पक्का निकाल दूंगा। बॉलर कौन होगा? हाँ जी, बॉलर कौन होगा? बॉलिंग तो मैं ही कराऊंगी, और यकीन जानिए कि पहली बॉल पे अगर उनको क्लीन बॉल नहीं किया ना तो मेरा नाम भी नाजी नवाजिश अली नहीं बल्कि नवाजिश अली सरदारी हो जाएगा। वो बड़ी गुगलियां खेल खेल के यहाँ तक आए हैं और आप मुझे गुगलियां फेस करना सिखा देंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हर चीज का तोड़ होता है जान। अच्छा, चले, आपकी इमरान खान से तो मुलाकात ऑब्वियसली रही है, बहुत ज्यादा रही, और हाउ डू यू फाइंड इमरान एज अ लीडर? बहुत ही जबरदस्त, मतलब ऐसी क्वालिटीज तो बहुत कम लोगों में होती है जो, मतलब आप ये देखें कि सलीम यूसुफ विकेट कीपर होते थे, उन्होंने उनसे भी ओपन कराई शारजा में और उन्होंने परफॉर्म करा, तो कैप्टन में क्वालिटी ये होती है जिस प्लेयर को वो चाहे उससे परफॉर्मेंस कराए, और ये मेरे ख्याल है इमरान भाई के बाद मैंने किसी में क्वालिटी देखी तो यूनुस खान में देखी। तो does that mean कि आप जितने इलेक्शन होते रहे हैं आप इमरान खान के लिए ही वोट डालते हैं? नहीं, मैं इमरान खान को वोट नहीं डालता। What is your सियासत में मेरा उनसे थोड़ा सा अलहदा वो है। नहीं, तो अभी आपने बोला कितने अच्छे लीडर हैं और वो क्रिकेट में, क्रिकेट में लीडर, क्रिकेट और सियासत में ज्यादा फर्क तो नहीं है मेरी? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। वो आप या एक 5 days की सीरीज होती है या वन डे मैच होता है या टेस्ट मैच है या वन डे मैच है या 2020 मैच है, तो सियासत तो एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूड प्रोसेस है और जिसमें एक भट्टी है जिसके अंदर आपको गलना है, उसके अंदर आपने उस भट्टी के सेक के अंदर उसकी तपश के अंदर फिर आपने कहीं जाके कुंदन बनना है और वो इतना आसान काम नहीं है। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपकी किस तरफ है? आई मीन मैं, हु इज योर लीडर? मेरे लीडर एक ही है, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई। व्हाट्स योर फेवरेट फूड डार्लिंग? मेरा फेवरेट फूड है अपना चिकन जलफ्रेजी। फेवरेट ड्रेस? कमीज सलवार। फेवरेट कंट्री? पाकिस्तान। फेवरेट करेंसी? पाकिस्तान। करेंसी पर रुपया, लेकिन रुपया तो अब टके से भी सस्ता हो गया है। खैर, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त कुछ खत्म सा हो रहा है और मैं जरूर दो चार बातें कहना चाहती हूँ आप लोगों के तवस्सुत से देखने वालों को, कि आजकल एक सिलसिला चला हुआ है अजीब सा ऐसे मैसेज का, यकीनन आपको भी रोज आ रहे होंगे 10 किस्म के ऐसे मैसेजेस जो आवाम को हरासा कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का खौफ पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग पहले ही बहुत दुखी हैं और बहुत मसाइल के से दो चार हैं, तो खुदा का वास्ता और लोगों को मजीद तंग ना खींचिए। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम है, ऐसे मैसेज है बहुत बड़ा। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ बहुत नेगेटिविटी है और मैं समझती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जब हम सबको एक यकजा होना है, हम सबको एक दूसरे की मजाज पुरसी करनी है, एक दूसरे के दुखों का मुदावा करना है, ना कि उसके अंदर मजीद नमक छड़के हम दूसरों के जख्मों
पर। तो ये हमें सबको मिलना है, इकट्ठे होना है, और सबसे बड़ी बात जो मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बारी बारी कह रही हूँ, दैट प्लीज लर्न टू फॉरगिव, माफ करना सीखिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, औरों को भी माफ कीजिए, अपने आप को भी माफ कीजिए, बस माफ कर दीजिए, बेरी द हैचेट, बेरी द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर, यू नो, एंड थिंक पॉजिटिव, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसको नहीं बदला जा सकता, अब वो तो एक फैक्ट है, लेकिन जो होने वाला है उस पे कम से कम हमारा इतना इख्तियार है कि माजी से जो हमने सीखा है उसको दोबारा, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बहुत सारे फैंस से जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? जैसे ही मतलब आप आजकल, आपको पता है जो मुल्क के हालात हैं, जो तालिबानाइजेशन हो रही है, तो यही टाइम है कि मुल्क मुत्तहिद हो जाए, जितने भी गिले शिकवे हैं वो बाद में पीछे रखें और इस मुल्क के लिए सोचें, सब हाथ में हाथ डालें और इस मतलब इस गवर्नमेंट का, इस फौज का आप साथ दें, इंशाल्लाह ये तालिबानाइजेशन जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इसकी जरूरत। पाकिस्तान बनाते हुए कायदे आजम ने जो स्लोगन तय किए थे, आज उस पर अमली तौर पर काम करने का वक्त है। और हमारी ये जो बिखरी हुई कौम है, हमारा इस वक्त जो सिक्योरिटी का चैलेंज है सबसे बड़ा, उस पे ओवरकम करने के लिए या सबमिट करने के लिए तमाम पाकिस्तानी अवाम को, पॉलिटिकल फोर्सेस को अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की तशख्स और वकार को जो कैंसर चिमट गया है उससे निजात हासिल करने के लिए, ये हमारी जो सर्वाइवल की जंग है इसमें पार्टनर बनना होगा। और हुकूमत के साथ पार्टनरशिप के लिए राजी हो जाएंगे, पार्टनर बनते ही, फर्स्ट लेडी बनते ही सबसे पहला दौरा मैं सवाद का करूंगी, जाऊंगी सवाद का, मैं जाके अपने जो हमारे बहादुर निडर हमारे फौजी वहां पर लड़ रहे हैं हमारी जंग में, जाकर उनका मुराल जो है मैं उनका मुराल बढ़ाऊंगी। और यकीन जानिए एक दफा मैं वहां जाऊंगी तो उनके अंदर एक अजीब ही किस्म की एक्साइटमेंट आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको और पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को याद रखिएगा, क्योंकि यही हमारा मुल्क है और हमें इसको बचाना है। खुदा हाफिज, नवाजिश।